हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग बताने वाला हूं जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन डिफेंस। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस के बारे में, लेकिन यूनिक और जो सबसे दिखने वाले मूव्स वही लोग करते हैं वाइट से और उसी ट्रैप में आ जाते हैं, तो कैसे हम उसे फंसाते हैं इसके बारे में पूरा वीडियो देखिए एंड तक। और इसमें दो दो वेरिएशन है और दोनों ही बहुत ही काफी सक्सेसफुल है। अब देखते हैं, यहां से व्हाइट जब भी खेलते हैं 60% मूव्स वर्ल्ड में e4 खेली जाती है, और e4 अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारी लाइंस होती है एंड गेम, फ्रेंच डिफेंस, कैरो कान, सिसिलियन। लेकिन स्कैंडिनेवियन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्कैंडिनेवियन खेलो e4 d5, शुरुआत से ही फाइट टू फिनिश वाली मूव होती है। आफ्टर e takes d5 knight f6, यहाँ पे मैंने आपको मॉडर्न वेरिएशन के बारे में बहुत सारे मूव्स बताए हैं, और d4 में मैंने एक अलग से पोर्टुगीज गैम्बिट के बारे में बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो पोर्टुगीज। लेकिन मैं आज आपको एक यूनिक मूव बताऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी, और हो सकता है आप में से 10% लोग ये जानते भी है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको knight takes d5 करना है। दोस्तों, knight takes d5 व्हाइट c4 खेलता ही है। आपने बहुत सारे गेम्स डेटाबेस में सर्च करोगे तो इतने मूव्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर आपको इंजन बता रहा है knight f6 और दूसरे मूव knight b6। मैं आपको एक यूनिक मूव बताता हूँ knight b5। रिस्की है लेकिन बहुत ही किफायती है, बहुत ही जबरदस्त मूव है। यहां अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो तो क्या सोचोगे, वीडियो पुश करके आप देखो। व्हाइट से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो queen a4 चेक तुरंत दिखाई देगा कि यहां पे तो ब्लैक का नाइट ट्रैप हो रहा है। और दूसरा मूव जो है a3, नाइट पे प्रेशर करके बाद में queen a4 चेक, लेकिन एक मूव के बाद भी queen a4 चेक तो खेलना ही है। तो अगर व्हाइट ने यहां पे queen a4 चेक दिया, अब आप सोचोगे कि knight c6 के बाद d5 और व्हाइट पीस प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक ट्रैप है ब्लैक की ओर से। यहां पे nb c6 आता है, उसके बाद व्हाइट d5 करता है। अब मैं आपको दो वेरिएशन बताऊंगा, यहां पे व्हाइट के ओर से आपको दो मूव बताऊंगा। d5 तुरंत आपका पीस लेने का ट्राई, और दूसरा a3, नाइट जब भी हटे उसके बाद में d5। तो ये दोनों हम वन बाय वन देखेंगे, दोनों में ब्लैक जीत रहा है। कैसे? तो अगर व्हाइट ने यहाँ पे d5 किया तो यहाँ ब्लैक की ओर से जबरदस्त काउंटर अटैक है b5। अब आप सोचोगे कि ये कैसा काउंटर अटैक हुआ, ये तो सिंपल पॉन से पॉन मर रहा है, क्वीन टेक्स पॉन भी मर रहा है। तो देखो, यहाँ पे व्हाइट अगर पॉन टेक्स पॉन करता है या क्वीन टेक्स पॉन, व्हाइट को अगर पीस प्लस रहना है तो क्वीन टेक्स पॉन करना पड़ेगा। आफ्टर क्वीन टेक्स पॉन knight c2 फॉर्क से आपको रुक मिल रहा है, तो क्वीन टेक्स पॉन मेरे हिसाब से ये भी सही मूव नहीं है। तो हम देखते हैं b takes pawn। अब आप सोचोगे कि ब्लैक का अगर एक नाइट हट गया तो दूसरा नाइट आपको मिलने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां पे अनबिलीवेबल मूव है knight d4। अब देखिए, व्हाइट आपका नाइट नहीं ले सकता क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट में knight c2 फॉर्क और आपको क्वीन मिल रही। अब knight e4 उसके बाद यहां पे knight c2 फॉर्क ऑलरेडी है, तो व्हाइट रिप्लाई देगा knight a3 और ये स्क्वायर को दो दो सपोर्ट करें। अब यहां पे नेक्स्ट मूव होगी e5, आपके दोनों नाइट को सपोर्ट मिल गया। आफ्टर d takes e5 एन पासंट bishop takes e6 bishop d2। अब देखिए, यहां पे bishop d2 एक कॉमन मूव है। क्यों कॉमन है? कि आपका नाइट जो है यहां पे हेडेक बन के बैठा है व्हाइट के लिए,
तो बिशप डी टू डेवलप के साथ अटैक वाली मूव है वाइट की ओर से। यहाँ पे मैं एक जबरदस्त सरप्राइज मूव बताता हूँ आपको, वीडियो पुश करके खुद की तरफ से सोचोगे आपको मिलेगा ही नहीं, 100% ये मूव नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए कि मुझे ये मूव सर मिल गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वीन एच फोर आफ्टर बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप चेक, क्वीन टेक्स बिशप, नाइट एफ थ्री चेक, आफ्टर नाइट टेक्स नाइट, देन क्वीन टेक्स क्वीन चेक। तो ये हमारी पोजीशन में एक ये ट्रैप है। अगर वो बिशप टेक्स नाइट नहीं लेता है तो भी आपको उसकी क्वीन मिल रही है। लाइक उसने नाइट एफ थ्री कर दिया या फिर जी थ्री कर दिया, दोनों ऑप्शन में आफ्टर नाइट एफ थ्री चेक, नाइट टेक्स नाइट, नाइट डी थ्री चेक, बिशप टेक्स नाइट और दो माइनर पीस के बदले आपको डिस्कवर में क्वीन मिल रही है। तो दोस्तों ये थी पहली पोजीशन जो व्हाइट ने अर्ली क्वीन चेक देके डी फाइव अर्ली कर दिया तो ये होता है। अब आपके नाइट पे अटैक करके डी फाइव करता है तो क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तब भी व्हाइट की क्वीन ट्रैप हो रही है। लाइक ई फोर देखते हैं, डी फाइव, ई डी फाइव, नाइट एफ सिक्स, डी फोर, नाइट एक्स डी फाइव, सी फोर, नाइट बी फोर आफ्टर क्वीन चेक, एन बी सी सिक्स। अब यहाँ पे व्हाइट ये गलती नहीं करता है पर आपके पहले इस नाइट को भगाता है ए थ्री। तो यहां आपको खेलना है नाइट ए सिक्स। अब व्हाइट खेलेगा डी फाइव, अब आपका नाइट तो ट्रैप हो गया। यहां आपको खेलना है नाइट सी फाइव, ब्रिलियंट मूव। अब क्वीन पे काउंटर अटैक है आफ्टर पॉन टेक्स नाइट, अब सिंपल नाइट टेक्स क्वीन और विन। तो व्हाइट को अगर पीस अप होना है तो क्वीन बी फाइव ओनली मूव है, क्योंकि क्वीन अगर वापस चली गई तो आपके दोनों पीस सेव हो जाएंगे और पोजीशन भी ब्लैक की बहुत ही बेटर हो जाएगी। तो क्वीन बी फाइव में आपको यहां पे खेलना है ई सिक्स। अब देखिए आपने नाइट सेक्रीफाइस किया है, आफ्टर डी टेक्स सी सिक्स फाइनल मूव आपको खेलना है बी सिक्स। अब यहां पे आप देख सकते हो कि व्हाइट की क्वीन टोटली ट्रैप है। कैसे? अगर क्वीन बी फोर जाता है तो नाइट डी थ्री डिस्कवर चेक, देन बिशप टेक्स क्वीन चेक एंड क्वीन टेक्स बिशप। तो क्वीन बी फोर इनिशियल कोई पॉसिबल नहीं है। आफ्टर बिशप ई थ्री सिंपल ए सिक्स और क्वीन बी फोर नाइट डी थ्री चेक। तो दोस्तों ऐसे आपको व्हाइट की क्वीन मिल जाएगी, 100% ब्लैक विन हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही काम में आने वाली ट्रिक है। बहुत सारी गेम्स में आपको अपोनेंट ने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर फंसेगा, और अगर आपके अपोनेंट ने ये वीडियो देख लिया तो वो फंसेगा नहीं, लेकिन फिर भी ब्लैक की ओर से आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग रहेगी। आप ये लाइन जरूर खेल सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए, बताइए कि आपको ये लाइन कैसी लगी, और भी कोई चेंजिंग करने है तो आप मुझे बताइए, मैं और भी इसमें बहुत सारे मूव्स आपको नए नए मूव्स ला के बताऊंगा। तो ऐसे यूनिक ओपनिंग सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों मेरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।